हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेकारी किसे कहते हैं, यानी कि सामान्यतः हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति बेकार बैठा है, आजकल बहुत बेकारी हो रखी है, मैं बेकार हो रखा हूँ। अर्थ क्या है बेकारी का? बेकारी वो दशा है जिसमें व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, धन कमाऊं, अपने घर को चलाऊं, लेकिन उसे रोज़गार प्राप्त नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, काम करने की मन में इच्छा होना और काम नहीं मिलना, ऐसी स्थिति को बेकारी कहा जाता है। और ये बेकारी एक सामाजिक समस्या है, केवल हमारे देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की। भारत देश इस समस्या से बहुत सालों से जूझ रहा है। ये समस्या केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की नहीं है बल्कि संपन्न देशों की है। यानी कि केवल भारत में ही ये समस्या नहीं है बल्कि पश्चिमी देशों में भी ये समस्या पाई जाती है। बेकारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि ये सामाजिक समस्या है। बेकारी में व्यक्ति को धन नहीं मिलता, इसलिए उसके पास पैसा नहीं होता, गरीबी आती है। लेकिन सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि जब व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिलता तो वो ढंग से अपने परिवार को नहीं चला पाता, उसका पालन पोषण नहीं कर पाता, उसकी वजह से अन्य सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गरीबी आती है, अशिक्षा आती है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। बेकारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। बेकारी पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव डालती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। व्यक्ति में निराशा और हीनता आने लगती है। ये एक सामान्य बात है कि जब व्यक्ति खुश रहता है तभी वह परिवार के सदस्यों के साथ भी खुशी का वातावरण बना के रखता है, उनके साथ खुश रहता है और कोशिश करता है कि मेरा जो परिवार है वो संपन्न और खुश रहे। परंतु यदि व्यक्ति निराश होता है, अपने आप को हीन समझता है या मजबूर समझता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, तो ना वो खुद खुश रहता है ना ही अपने परिवार को खुश रख पाता है। और इसका परिणाम न केवल मानसिक होता है बल्कि सामाजिक होता है। आर्थिक दृष्टि से प्रभावित होने वाला व्यक्ति मानसिक और सामाजिक दृष्टि से अवश्य रूप से प्रभावित होता है। बिना काम के बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार नहीं होने से उसके पास धन नहीं है, तो यह बेकारी की स्थिति उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए ही एक बोझ बन जाती है, दोनों के लिए एक पीड़ा की स्थिति बन जाती है। G.S. मदान ने इसके लिए एक परिभाषा भी दी है कि उस देश में बेकारी है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर का काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। यानी व्यक्ति करना चाहता है परंतु फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता। इसी तरह से डिमेलो ने भी कहा है कि बेकार व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन भोगी कार्य नहीं कर पा रहा। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, काम करना चाहता है, दिली इच्छा है कि वो काम करे, उसकी इच्छा है कि वो रोज़गार प्राप्त करे, धन कमाए, अपना और अपने परिवार का जीवन सुखपूर्ण व्यतीत करे, परंतु असहाय हो जाता है जब उसे रोज़गार नहीं मिलता। उसकी डिग्रियों के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुसार उसे काम नहीं मिलता या उसे काम नहीं मिलता, कैसी भी स्थिति में वह बेरोज़गार रहता है और वह काम करना चाहता है। व्यक्ति निराश इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग इस चीज़ के लिए राजी है कि वो काम करे, परंतु समाज या देश उसे काम नहीं दे रहा। तो दोनों की जो स्थिति है वो विपरीत होती है। जब दोनों की विपरीत स्थिति होती है तो संघर्ष होता है, व्यक्ति को मानसिक दबाव पड़ता है और व्यक्ति निराशा में जाने लगता है। बेकारी के कुछ प्रमुख तत्व हैं, हम उन तत्वों की बात करेंगे। पहला, इच्छा। किसी व्यक्ति को तब बेकार कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। यानी कि अगर किसी कोई व्यक्ति बेकार है या किसी बेकार कहा जाता है तो मुझे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो गरीबी में है या अमीरी में है, चाहे उनके पास धीरे धीरे धन खत्म हो जाए, उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता।
दूसरा है प्रयत्न। यदि व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है और उस काम को करना चाहता है परंतु फिर भी काम नहीं मिलता, यानी बेकारी दो स्थिति हो गई, एक तो व्यक्ति की इच्छा, दूसरा वो उस काम को केवल इच्छा ही नहीं रखता बल्कि उस काम को प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। तीसरा है योग्यता। व्यक्ति काम करना चाहता है, उसमें योग्यता भी है परंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता। चौथा है आर्थिक उद्देश्य। जो व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है उसकी उद्देश्य है कि वो धन का अर्जन करे, धन कमाने के लिए उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेकार समझा जाता है। यानी कि इच्छा भी होनी चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए और उसके अंदर एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि मुझे काम करना है और मुझे धन कमाना है। पांचवा बिंदु है योग्यता के अनुसार कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करना चाहता है और वह वो योग्यता रखता है परंतु उसे निम्न पद मिले और आय भी बहुत कम मिले तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहा जाएगा। यानी कि व्यक्ति की इच्छा है काम करने की, उसे वो काम नहीं मिलना, उसकी योग्यता है कि वो किसी पद को प्राप्त कर सकता है, वो पद भी उसे ना मिलना और उसे कोई निम्न पद मिल जाना और जितनी वो चाहता था कि मुझे धन चाहिए या जितनी कमाई चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम पैसा मिलना, तो ऐसी स्थिति में हम बेकार तो नहीं कहेंगे लेकिन उसे आंशिक रोजगार कहेंगे। परंतु वो ना तो वो पूर्ण रूप से बेकार है ना वो पूर्ण रूप से रोजगार वाला है, नज़दीक वो बेकार की स्थिति में आता है क्योंकि वो मानसिक रूप से यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसके पास रोजगार है। वो ये कहता है कि हाँ काम चल रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिला, ये मेरा काम नहीं है लेकिन मैं मजबूरी बस पेट भरने के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, उसके पास रोजगार नहीं है तो हम उसे बेकार नहीं कहेंगे। बेकारी तब है जब व्यक्ति की इच्छा होती है, वो कोशिश करता है उसे काम मिल जाए, वो उस योग्यता को भी रखता है कि उसे काम मिलना चाहिए, उसका मन भी है कि वो पैसा कमाए, परंतु इन सब स्थितियों इन सब प्रयासों के बावजूद जब उसे काम नहीं मिलता तो ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को बेकार कहा जाता है और ऐसी स्थिति को बेकारी कहा जाता है। हर समाज में हर देश में बेकारी की स्थिति देखने को मिलती है और ये बेकारी की स्थिति न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को ख़राब करती है बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी ख़राब करती है। इसके साथ साथ वो उसकी आर्थिक स्थिति को ख़राब करती है तथा सामाजिक स्थिति को भी ख़राब करती है। यानी कि कोई एक बिंदु यदि व्यक्ति के जीवन में कहीं ख़राब होता है तो थोड़ा थोड़ा ही सही वो बहुत सारे बिंदुओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यक्ति जो पदों पर बैठे हैं वो सारे ही योग्य हों, या ऐसे भी नहीं है जो पदों जिन्हें काम नहीं मिल रहा वो सारे ही अयोग्य हों। बहुत बार योग्य व्यक्ति को पद नहीं मिल पाता और बहुत बार किसी पहुंच, किसी अप्रोच, किसी चापलूसी, किसी न किसी कारण से व्यक्ति पद को प्राप्त कर लेता है और योग्य व्यक्ति उस पद के बिना रह जाता है। तो जब ऐसी स्थिति हो, व्यक्ति को कार्य ना मिले, वो अपने योग्य पद पर ना पहुँचे, तो ऐसी स्थिति को बेकारी कहा जाता है। बेकारी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। बहुत सारे देश, बहुत सारा समाज इस सामाजिक समस्या से जूझ रहे हैं। वर्षों से प्रयत्न करने के बावजूद भी इस समस्या से अभी तक निजात नहीं मिला है। ये समस्याएं वर्तमान दृष्टि में भी देखने को मिलेंगी और भूतकालीन स्थिति में भी आपको देखने को मिलेंगी। बेकारी से बचने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति को यदि कोई रोजगार नहीं मिलता तो उसे उसके समकक्ष कोई कार्य देखना चाहिए या अन्य कोई उपाय उसे ढूंढना चाहिए ताकि वो बेकारी की समस्या से निकल सके और बेकार कहनाने से बच सके।